तो जनाब वेलकम बैक इन एसपी क्रैकर चैनल। जनाब आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं हसल कल्चर के बारे में। आप देख रहे होंगे यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी सोशल मीडिया हो, सभी जगह सभी इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हसल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा हसल कल्चर क्या है, तो मैं उनको बता दूँ हसल कल्चर कहता क्या है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक तरीके से एक बातों को प्रमोट करते हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो आपने सक्सेसफुल होने के लिए डिसाइड कर रखा है, तो उनको पाने के लिए दिन रात मेहनत करो। जब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए होते हैं, यारों दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, या फिर जो वो काम करते हैं जिससे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उनके बदले आप वो काम करो जिससे आपको प्रॉफिट मिलना है। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दिन रात मेहनत करो, कुछ सीखो, लर्न करो, किताबें पढ़ो, और कुछ ना कुछ पार्टी वार्टी कम करो, मतलब अपने ऐसे काम्स को, प्रोडक्टिव काम्स को टाइम्स दो। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि हसल कल्चर कितना सही है और कितना गलत है। अगर गलत है तो कितना गलत है, ठीक है, तो समझते हैं हसल कल्चर पहले सही है या गलत है। मैं बताऊं हसल कल्चर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, पर उसमें कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जो थोड़ी सी गलत हैं। और वो गलत बातें आ कहां से रही हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शायद थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं उन चीजों को, और वो अगर खत्म हो जाए तो हसल कल्चर से एट द एंड बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है हमारे जैसे यूथ को। ठीक है, तो बात करते हैं हसल कल्चर की पहले, कि कोई भी हमारे गोल्स हैं, ठीक है, गोल्स को आप तभी पा सकते हो, सीधे साफ वर्ड में कहें कि आप जब तक हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना आएगा। जब आपको स्मार्ट वर्क करना आएगा और हार्ड वर्किंग आप पहले से थे, तभी आप चीजों को पा पाओगे। कोई भी आपके गोल हो, कोई भी गोल हो, चाहे कोई एग्जाम को क्रैक करना हो, चाहे आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, कोई भी ऐसे नहीं मिल जाएगा जब तक आप उसमें दिन रात मेहनत नहीं करोगे। अपनी नींद, खाना पीना, जितने भी कंफर्ट जोन की आदतें हो, जब तक त्यागोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, और यही हसल कल्चर होता है। पर हसल कल्चर के साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, अपने माइंड को, क्योंकि माइंड भी आपका शरीर के जैसे सारे अंग हैं, वैसे आपका माइंड भी एक अंग है। सिर्फ सोने से आपके माइंड को सारी एनर्जी नहीं मिलती है, या फिर वो पूरी तरीके रिकवर नहीं होता है। और आज के समय में हसल कल्चर में कुछ लोग इतना गलत काम करने लगे हैं कि वो अपने माइंड की तरफ, अपनी मेंटल जो स्टेट होती है उस पर ध्यान ही नहीं देते। बहुत से लोग तो बहुत कम कर दिए हैं सोना, बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ 4 घंटे सो। भाई आप एक बात बताओ, आप इतना काम करोगे, 20 घंटे काम करोगे, सिर्फ 4 घंटे सोगे, आपका माइंड सही रहेगा? जब तक आपकी माइंडली स्टेट नहीं सही रहेगी, तब तक आप चाहे जितना हार्ड वर्किंग हो जाओ, आपका काम उतने अच्छे से होगा नहीं। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में पीस नहीं है, शांति नहीं, तब तक आप किसी काम में क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका दिमाग शांत रहे। जितना ठंडा आपका दिमाग रहेगा, जितना आपका दिमाग कंट्रोल में आपके रहेगा, उतने ही ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो पाओगे। प्रोडक्टिव होने का ये मतलब नहीं कि आप 20 घंटे लगातार काम कर रहे हो, या फिर 20 घंटे आप स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो, नहीं। आप 20 घंटे ना करो, आप 10 घंटे करो, 6 घंटे करो, पर बिल्कुल जब करो जब आपका दिमाग आपके कहे मान में हो, आपका दिमाग शांत हो। अब एक दिमाग उसको 10 जगह आप बाटे फिर रहे हो, और दिमाग आपका भड़बड़ाया हुआ है, उस पर ऑल लोड डालते जा रहे हो, सो भी नहीं रहे हो सही से, जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश हो सके, तो वो काम में क्रिएटिविटी आएगी नहीं। और वही काम जो आपके 4 घंटे में हो रहे होंगे, उसमें 8 घंटे लगेंगे। और ये मैं कोई ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद से इस बातों को अपने ऊपर अप्लाई करके देख चुका हूँ। मैं भी इस हसल कल्चर का बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से प्रेमी था, मैं भी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगा था। एक समय था कि मात्र मैं 3-3 घंटे की नींद लेता था। अभी यही जब मैं दूसरा अपना चैनल स्टार्ट किया हूँ डूम कोडिंग, तो वहाँ पे बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था, कोर्स लॉन्च कर रहे थे काफ़ी सारे कोडिंग कोर्सेस, तो मैं सोना बहुत कम, 2-3 घंटे सोता था, और दिन भर काम करता था, रात भर काम करता था। एक हालात ये आए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सो भी रहा हूँ कि जग ही रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि, मतलब घड़ी में देख रहे, अच्छा 3 बजे अभी चलो काम खत्म हो गया, अभी सो जाएंगे, और थोड़ी देर कुछ काम करते करते देखा 4 बज गए सुबह के, फिर काम करते करते 5 बज गए। अब 5 जब बजते हैं ना, तो दिमाग में आता है यार आप सोएंगे तो उठेंगे कब? अगर कोई इंसान सुबह 5 बजे सो रहा है, तो क्या वो 11 बजे से पहले तो उठेगा नहीं जाकर? फिर ये लगता है कि चलो दोपहर को सोएंगे, अब ये जो टाइम बचा है इसमें और काम कर लेते हैं। फिर सुबह गर्मियों के मौसम में घूमने का भी मन होता है कि जाओ मॉर्निंग वॉक कराएं, या फिर थोड़ा बाहर निकल जाएं, रिफ्रेशमेंट ले लें, तो वहां निकल जाते थे। ऐसे करते करते होता था क्या कि अगली शाम आ जाती थी, हम सोए नहीं है, पता चल रहा है आंखें लाल रखी हुई थी, और बहुत ज़्यादा, सच बता रहे, हेल्थ पे इतना इफेक्ट पड़ने लगा था कि कुछ, मतलब कब तक कर पाओगे आप? हालात सोचो कि 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर,
15 दिन, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। और 1 वीक के बाद मेरी वो स्टेट आने लगी थी कि मेरा शरीर घटने लगा था, मेरे माइंडली में डिस्टर्ब रहने लगा था और एंगर इशू आने लगे थे कि बहुत छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट आ रही थी और बहुत ज्यादा कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिवपन आने लगा था। और ये सच मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद से फील किया है। तभी मुझे लगा कि हसल कल्चर को सही तरीके से प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हसल कल्चर जरूरी है पर कितनी हसल करनी है ये भी तो समझो। आप हार्डवर्किंग बनो, आप स्किल्स को इंप्रूव करो, आप बुक्स पढ़ो, आप मेहनत करो, अपने गोल की तरफ जितना हो सके उतना भागो। लोग जब पार्टी कर रहे हो तब आप काम करो, मैं इस चीज को भी सही बता रहा हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि जब लोग कहीं पे गलत समय दे रहे हैं और सही समय कहीं पे दे रहे हो तभी लोगों से आगे आप निकल सकते हो, ये भी बात सही है। पर माइंड को हमेशा ध्यान रखो कि माइंड को क्या चाहिए। माइंड को चाहिए रिफ्रेशमेंट, पहला कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है। बहुत से लोग कहेंगे 5 घंटे सो, 4 घंटे सो, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 7 घंटे की नींद अगर आप ले रहे हो, कभी 8 की ले लो, बहुत ज़्यादा 7 से 8 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए। इतनी नींद बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हो, ठीक है, इतना सो लो। अगर कभी आपके पास ज़्यादा वर्क है तो आप 6 घंटे सो, जब आपके पास ज़्यादा है, नहीं तो 7 घंटे की नींद लिया करो। उसमें क्या होता है कि माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है और जिस काम को आप करोगे उसमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर कर पाओगे, ठीक। जब माइंड सही रहेगा तो शरीर को ऑटोमेटिक फिटनेस मिलने लगती है। थोड़ा क्या है कि बाहर भी निकलो, ये नहीं कि हसल के अंदर क्या है कि एक बंद रूम में, नहीं दिखाते नहीं इंस्टाग्राम रील्स में कि बंद रूम में बैठे हुए कंप्यूटर लिए हैकर बने जा रहे हैं, वो फील नहीं करना है। बाहर भी निकलना जरूरी है सुबह के समय, अब तो ठंडियाँ आ गई है, नहीं तो गर्मी के समय में आपको 4 बजे 5 बजे एक बार कभी हफ्ते में जाना जरूर चाहिए बाहर। आप रेगुलर नहीं जा सकते हो, सो रहे हो मान लो, पर वैसे आपको 1-2 बार जाना चाहिए। क्या होता है कि जब आप नेचर में जाते हो तो आपकी एक अलग फीलिंग आती है, मैंने खुद पर्सनली सब फील किया हुआ है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर थोड़ी सी शांति आती, बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग तरीके की शांति का आप महसूस करेंगे। तो इसलिए माइंड शांत रहेगा, शरीर शांत रहेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और शरीर की भी फिटनेस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिम करो यार, जिम बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अब मान लो आप फिटनेस नहीं रखोगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपका क्या है, एक दिन बाद आएगा कि रोग आपको पकड़ने लगेंगे, बीमारियाँ पकड़ने लगेंगी। और यही चीज़ है कि इंसान तभी टूटने लगता है। एट द एंड जब आपका सक्सेसफुल वाला टाइम आने लगेगा, आप सक्सेसफुल हो रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि अब सब अच्छा चल रहा है, तब बीमारियां आपको पकड़ लेंगी। तो वो चीज़ ना हो, उससे लिए आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शरीर को भी फिट रखो। मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का नाम यहाँ पे बैठे बैठे गिना सकता हूँ, चाहे आप एलन मस्क को ले लो, चाहे आप अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर मैं विवेक बिंद्रा सर की बात करूँ, चाहे अमन धतरवाल सर की बात करूँ, किसी का भी आप नाम ले लो, हर कोई फिटनेस पे ध्यान देता है। कोई भी व्यक्ति है जो स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, जो हसल कर रहा है, वो मेंटल एंड फिजिकल स्टेट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, क्योंकि जानता है कि अगर इन दोनों में से एक भी बिगड़ी तो पूरी की पूरी हसल पानी में चली जाएगी और आप एक किनारे पड़े रहोगे। इसलिए 2 चीज़ों पर ध्यान रखो। तीसरी बात कि आप हमेशा मेहनत करो, जब पार्टी कर रहे हो लोग तब आप मेहनत करो, जब फालतू काम कर रहे हो तब मेहनत करो, क्योंकि तभी आप आगे निकल सकते हो। पर महीने में या फिर 1.5 महीने में एक बार छुट्टी पर जरूर जाओ, एक बार, चाहे फिर वो आप दोस्तों के साथ मौज काटो जाकर। उस दिन करना क्या कि उस दिन फिर सब त्याग देना, ये नहीं कि आप जा कहीं काम से रहो, बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो कि एनालिटिक्स की क्या सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, या फिर जो आप स्टार्टअप कर रहे हो तो उसमें क्लाइंट्स के मैसेज आ रहे हैं, फिर वो सब त्याग देना। उस दिन मोबाइल से सिर्फ कॉलिंग के लिए रखना, वो भी उन कॉल्स को अटेंड करना जो इंपॉर्टेंट हो, लाइक आपके घर के फैमिली के कोई मेंबर्स की हो या फिर कोई जरूरी कॉल्स हो। उसके अलावा कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई एनालिटिक्स नहीं, कुछ भी चेक नहीं। उस दिन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे चले जाओ, कहीं पिकनिक पे चले जाओ, कहीं घूम आओ यार जाके। जितना आप घूमोगे उस दिन पूरा एनर्जी आप अपने मनोरंजन में लगाना, एंटरटेनमेंट में लगाना, क्योंकि उस दिन आपका दिन है। आप अपने आप को रिफ्रेश करो, क्योंकि आपने 1.5 महीने के बाद छुट्टी ली है और आने वाले 1.5 महीने फिर से आपको काम करने हैं, तो वो 1.5 महीने काम करने के लिए एज अ रिवार्ड आप अपने आप को 1 दिन की छुट्टी दे रहे हो। और ये एलन मस्क का आप उदाहरण मेरे से ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, मैं बहुत इन लोगों के बारे में पढ़ा हूँ, वो भी 1 दिन अपने लिए लेता है। आप कहीं पर भी पढ़ लेना जाके, कोई भी उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, 1 दिन वो भी अपने लिए बनाता है, जिस दिन वो अपने फैमिली को टाइम देता है, अपने लिए टाइम देता है। उससे ज़्यादा अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा हसल करने वाले लोगों को देखा है, पर उससे ज़्यादा नहीं देखा है। हफ्ते के 100-100 घंटे वो काम करता है, फिर भी अपने आप को टाइम देता है। इसीलिए आपको भी 1.5 महीने में एक बार ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे ना जाओ, जाओ पिक्चर देखाओ जाके, कहीं स्विमिंग कराओ जाके, कहीं क्लाइंबिंग कराओ जाके, कुछ ना मिले दौड़ाओ, हवा में मज़े ले लो, दोस्तों के साथ बैठ जाओ, गपशप मार लो। एक बार 1 दिन 1.5 महीने में अपने आप को एज अ रिवॉर्ड जरूर देना है।
दूसरा टाइमिंग जो सोने की है उसको आपको निर्धारित करनी होगी, नहीं निर्धारित कर रहे हो तो 7 घंटे कहीं से भी निकालो, निकालना है आपको, ठीक। और कुछ नहीं तो 30-35 मिनट 40 मिनट अपने शरीर के लिए फिजिकल वर्क करो, डंबल्स उठाओ और बहुत सारी जिम की चीज़ें होती हैं वो करो, ठीक है। जिम चले जाओ, जिम कर लो या फिर घर पे कर लो, रनिंग कर लो, करो। इससे क्या है कि शरीर रिफ्रेश रहेगा, माइंड रिफ्रेश रहेगा, उसके बाद फोड़ो। मैं फोड़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों मना करूँगा। मुझे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हैं, उनको फॉलो करना है, उनको पाना है, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि क्यों होना होता रोकने वाला। आप अपने गोल के लिए बने हो, मैं अपने गोल के लिए बना हूँ, हर किसी को हासिल करनी चाहिए। मैं इस चीज़ को खुद प्रमोट करता हूँ, जब मुझे उसने बहुत कुछ लाकर दिया है तो आपको भी देगी। तो हासिल बहुत ज़रूरी है। आज के समय में कोई भी चीज़ आपका हथेली में सरसों की जैसा नहीं उगती है। कोई भी सपना है आपको खुद आपको मेहनत करके उसको पाना होगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कोई यार दोस्त गर्लफ्रेंड आपकी कोई कुछ करके नहीं देगी। सबसे बड़ा आज के समय में पैसा है। आपके पास पैसा है तो दुनिया है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इतनी मेहनत करो कि पैसे का ढेर लगा दो, पैसे की वैल्यू आपके सामने ना रहे, किसी चीज़ को खरीदते समय उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स के मुँह से निकली हुई कोई चीज़ 1 सेकंड भी ना लगे आप उसको बुक करके घर पे बुला लो, वो पावर रखो। आज भी अमेजोन के अंदर भी ये आपको पता होगा कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हो तो 2-3 दिन में आएगी, और प्राइम डिलीवरी कराते हो तो 1 दिन के अंदर अंदर आ जाती है। तो आप ये भी इतना पैसे के ही दम पे हो पा रहा है। तो आप उस काबिल बनो कि कोई भी चीज़ चाहिए तो विथ इन हावर आपके सामने आ जाए। तो इतना काबिल बनो, हसल करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्किल्स को इम्प्रूव करो। स्किल्स जो ऐसी की होती है ना कि हर चीज़ लाकर आपको दे सकती हैं दुनिया में। आपको आपके दोस्त साथ नहीं देंगे, आपका कोई भी साथ नहीं देगा, पर आपकी स्किल्स हमेशा आपके साथ देने वाली हैं। आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें जो औरों के पास नहीं है। तो वो पाने के लिए आपको अपने घंटे इन्वेस्ट करने होंगे, टाइम। जिस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे वो प्रॉफिट लाकर देगा, ये मैंने 1000 बार कहा है। तो करो हसल, पर उसके साथ मेंटल एंड फिजिकल स्टेट का ध्यान रखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करो, जिससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा और ऐसी ही वीडियो सेल्फ ग्रोथ वीडियोस लाकर आपको भी मोटिवेट करूंगा। तो हसल कल्चर में आप भी भागीदारी बना सकते हो सिर्फ एक लाइक करके। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में थोड़ा फीडबैक दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।